ये जो हिंदू है हाँ। ये किसी चाइनीज को, किसी अमेरिकन को, किसी यूरोपियंस को अगले 25 से 50 साल में बहुत पीछे छोड़ के जाने वाला है। दोनों एक ही मुल्क हुआ करते थे सब कॉन्टिनेंट, लेकिन इसके बावजूद 75 इयर्स में उनका धारा किसी और तरफ बेहतर है और हमारा रुख किसी और तरफ रहा है। मैं तो ये भी कहूंगा कि अगर मेरे बड़ों ने कहीं कलमा पढ़ा था वो डर के पढ़ा था, उनको पता था कि मेरी इज्जत जो है महफूज नहीं है, मेरी जायदाद जो है वो महफूज नहीं है, और वो जो हमारी वो भी है वो भी महफूज नहीं है। यहाँ पे ना जुम्मे के दिन ना ये नीला गुंबद की जो मस्जिद ना बहुत बड़ी जमात होती है जुम्मे के दिन। ये हमारा भाई है तहसीन भाई, बड़ा चादर पिलाकर मस्जिद के बाहर 5,000 से लेकर 7,000 तक कमाई होती है इसके, उस पर हफ्ता आराम से गुजर जाते हैं इनका। क्योंकि मोदी के अंदर पावर है, मोदी चाहे 2 मिनट के अंदर कश्मीर ले सकता है। इन मोदी का ड्रामा हर तरफ बेनकाब हो रहा है और अब दुनिया मोदी की मकार सोच को समझना शुरू हो गई है, लेकिन मोदी अब भी ड्रामेबाजियों से बाज नहीं आ रहा। ये बता दें भारत मौजूदा करंट टाइम में पाकिस्तान से कितना आगे निकल गया। सर इंडिया की तो बात ही नहीं करें, वो एक ब्रांड बन चुका हुआ है। सर देखें इधर गाड़ी आल्टो कितने की आ रही है, तकरीबन 31 लाख 29 लाख आपको इंडिया गाड़ी दे रहा है 5 लाख रुपए की, और वो भी बिजली चार्जिंग वाली। यहाँ पे किधर है आने वाले? आपने बोला कि 20 साल 25 50 साल में वो बड़ी दुनिया को पीछे छोड़ जाएंगे, चाइना को छोड़ जाएंगे, गोरों को पीछे छोड़ जाएंगे, इसकी वजह क्या है? उनका टैलेंटेड है, उनका ह्यूमन पोटेंशियल। फोन 14 प्रो मैक्स की अगर बात करें कितने का, आज अगर मैं लेना चाहूँ? सर अगर आज आप लेना चाहें तो 5 लाख रुपए का मोबाइल भी नहीं मिलना आपको। कि ये जो क्रिमिनल वायलेंस हो रहा है इसके पीछे MI6 का क्या रोल था? अच्छा। कोई गांधी नहीं बोलेगा, कोई इकबाल नहीं बोलेगा, कोई जिना नहीं बोलेगा, झूठ बोले गए हैं। इंटेलिजेंस एजेंसी का रोल था। ठीक है ठीक है, ये हजारों साल से जो कटे हैं वो 25 साल में 50 साल में लड़ना कैसे शुरू हो गए? नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पाकिस्तान की मीडिया में ये चर्चा हो रही है, यानी कि हिंदुओं को लेकर और हिंदुस्तान को लेकर। पाकिस्तानी मीडिया में जो पाकिस्तान की आवाम है वो ये बता रही है कि आने वाले 10-20 सालों में आप देखोगे कि जो जिस प्रकार से चाइना ने तरक्की की है उसी प्रकार से हिंदुस्तान भी तरक्की करने वाला है और हिंदुओं का राज आने वाला है। साथ साथ में उन्होंने ये भी बता दिया कि पहले के समय में भारत के अंदर जितने भी आक्रमणकारी आए थे उन्होंने ही इस साउथ एशिया के इस कॉन्टिनेंट को जो है ना दबाव बनाकर जो है ना धर्म बदलवाए थे, बाकी पहले सब हिंदू ही थे। इतनी बड़ी बात उन्होंने इस वीडियो के अंदर बताई है, तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना ताकि अच्छे से आपको सारी बातें समझ में आए। ओरिजिनल वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप उनके चैनल को भी विजिट कीजिए, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ आपको पता है मैं कभी बात भी करता हूँ कि ये जो हिंदू है हाँ। ये किसी चाइनीज को, किसी अमेरिकन को, किसी यूरोपियंस को अगले 25 से 50 साल में बहुत पीछे छोड़ के जाने वाला है। उसकी वजह ये है कि इनको कभी हिस्ट्री में सुकून नसीब ही नहीं हुआ। अच्छा। ये 75 साल पिछले जब उनको वो पुरसकून तरीके से वो कर रहे हैं तो आपको पता है वो दुनिया के हर शोबे में जाके लीड कर रहे हैं। ठीक हो गया। ठीक है, और वो मजीद करने जा रहे हैं। आपने जो बात की है कि भाई उन्हें कभी सुकून नसीब नहीं हुआ, मतलब हाँ। उसके ऊपर उनके ऊपर जंग मुसल्लत कर दी गई, कभी इन्वेडर्स आए ना आप एज मुस्लिम, वो कभी कोई आ रहा है कभी कोई आ रहा है। ठीक है, वो यहाँ आके जो है वो उनकी खवातीन को वो कर रहा है, बेइज्जत कर रहा है। मैं तो ये भी कहूँगा कि अगर मेरे बड़ों ने कहीं कलमा पढ़ा था वो डर के पढ़ा था, उनको पता था कि मेरी इज्जत जो है महफूज नहीं है, मेरी जायदाद जो है वो महफूज नहीं है, और वो जो हमारी वो भी है वो भी महफूज नहीं है। इज्जत महफूज नहीं है। आपने बड़ी बड़ी जो ना गहरी बात की है कि भाई अगर आपके बड़ों ने या हमारे बड़ों ने कलमा पढ़ा, डर के पढ़ा, इज्जत को बचाने के लिए पढ़ा या जो भी है, लेकिन हमारे यहाँ पे तो हम हीरो कहते हैं जो गजनवी आए या जो भी आए, तो ये आपको जायजा लेना चाहिए। क्या वाकई वो हीरो हैं और क्या वाकई हम लोग आपस में इतने घटिया हैं कि कभी मिल के बैठ नहीं सकते? ठीक है, ये आपको जायजा। ठीक हो गया। लास्ट में 75 साल में जो अगर आपने बोला कि उन्हें 75 साल मिले पीस के, हालांकि चार जंगें फिर भी उसमें हो गई, आपने पीस बोला खैर, लेकिन ये है कि वो अपनी वो इतने बड़ा नेशन है ना सर, इतनी बड़ी वो पॉपुलेशन है, इतना बड़ा एरिया है, वो जंगें आपके लिए सर्वाइवल का वो बायस थी, उनके लिए वो कोई बड़ा वो नॉट अ बिग डील। यस, ठीक है। अच्छा, आने वाले आपने बोला कि 20 साल 25 50 साल में वो बड़ी दुनिया को पीछे छोड़ जाएंगे, चाइना को छोड़ जाएंगे, गोरों को पीछे छोड़ जाएंगे, इसकी वजह क्या है? क्या उनका टैलेंटेड है, उनका ह्यूमन पोटेंशियल? तो हमारे में ह्यूमन पोटेंशियल नहीं है, और सिस्टम की अगर आपके हैं लेकिन आपके अंदर पोटेंशियली कुछ बड़ी खतरनाक बातें हैं। क्या? फॉर एग्जांपल? ठीक है ना, जो आपकी वो जो इंक्लिनेशंस हैं फॉर वायलेंस, दैट आर डेंजरस थिंग, वो आपको भी पता है मुझे भी पता है। एक्सट्रीमिज्म की बात कर रहे हैं, एक्सट्रीमिज्म आप कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं उसमें नहीं जा रहा था, ये कॉइन की हुई वो उसके खास पॉलिटिकल मीनिंग है, मैं उसको ऑन नहीं करने जा रहा हूँ। ठीक है ना, मैं बात कर रहा हूँ वायलेंस की। यस, जो बेस में इंसान में होता है, जो इंसान को हमेशा नुकसान के वो दहाने पर जाके खड़ा करता है। अच्छा, जीन्स तो हमारे एक ही है, मतलब जाहिर बात है पूरी दुनिया जानती है कि हम हजारों साल इकट्ठे हैं। यस, ठीक है। तो फिर हमारी सोच और उनकी सोच में फर्क आया, वो रीजन आपने बता दी, वायलेंस खत्म होने वाले हैं। वायलेंस कैसे, वेल वायलेंस आया कब और कैसे? यानी जीन्स एक है और रहे हजारों साल इकट्ठे हैं, आप इसका आंसर करें। ये पैदा किया गया। अच्छा अच्छा अच्छा, ये पैदा किया गया। अगर आप वो खुतबा इलाहाबाद पढ़ो ना इकबाल का ना, तो उसमें कम्युनल
वायलेंस और कम्युनल राइट्स की बात कर रहा है, ठीक है, बार बार कर रहा है, और वो कहीं भी ये नहीं बताता है कि इकबाल जो है, चूँकि वो एक दानिश्वर है और वो चीज़ों को बैठ के वो देखता है, वो कहीं भी नहीं बताता है कि ये जो कम्युनल वायलेंस हो रहा है इसके पीछे MI6 का क्या रोल था। अच्छा। कोई गांधी नहीं बोलेगा, कोई इकबाल नहीं बोलेगा, कोई जिन्ना नहीं बोलेगा, झूठ बोले गए हैं। इंटेलिजेंस एजेंसीज का रोल था। ठीक है, ठीक है, ये हजारों साल से जो कट्ठे हैं वो 25 साल में 50 साल में लड़ना कैसे शुरू हो गए हैं, ये आपको जायजा लेना पड़ेगा। ये बड़ी डीप बात है। हाँ, बेवकूफों की तरह आप घूमते रहोगे। वो हिंदू मैं मुसलमान, वो हिंदू, आपको कभी समझ में नहीं आएगा। ठीक हो गया, ये 100% ऑथेंटिक बात है कि जब तक हम ऐसे ही सिर्फ इतनी सी सोच रखेंगे वो हिंदू हम मुसलमान, हिस्ट्री नहीं जानेंगे और कैसे हमें डिवाइड किया गया इस चीज को नहीं मानेंगे, तब तक हम चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। समझता हूँ इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट लोग थे ये जिन्होंने इन बातों को हाईलाइट नहीं किया। ये बताए जो कल बजट बढ़ा है, उससे बजट जो पेश हुआ है उसके मोबाइल के रेटों में क्या फर्क आया? सर मोबाइल के रेटों में कोई फर्क नहीं है, मजीद महंगे हो गए, आवाम की पहुंच से दूर हो गए मोबाइल, क्योंकि 30% टैक्स और लगा दिया गया है। देखें आईफोन 14 प्रो मैक्स की अगर बात करें कितने का, आज अगर मैं लेना चाहूँ? सर अगर आज आप लेना चाहें तो 5 लाख रुपए का मोबाइल भी नहीं मिलना आपको, क्योंकि जो इस तरह हालात कर दिए गए मुल्क के, मजीद टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स लगा दिए गए हैं, ये तो ज्यादती हो रही है ना आवाम के साथ। पाकिस्तान की करेंसी क्या है? पाकिस्तान की करेंसी रुपया है और क्या है? रुपया है। पाकिस्तान चलता रुपये पे या डॉलर पे? सर रुपये पे चलता है, ये तो उन्होंने ड्रामा बनाया हुआ, डॉलर के साथ चल रहा है, डॉलर के साथ चल रहा है, डॉलर तो पकड़ नहीं पा रही है। डॉलर आपने बोला रुपये पे चल रहा है, अगर डॉलर महंगा होता है तो फिर पाकिस्तान में महंगाई हो जाती है। तो यही बात है ना सर, अगर ये डॉलर रुपये से चले तो नहीं होगी, डॉलर से चलेंगे तो महंगाई होगी। आप देख रहे हैं चीनी करेंसी कह रही है, आप हमारे से चीनी करेंसी में काम करें, करना कुछ नहीं चाह रहे। चाइना वाले ये कह रहे हैं चाइनीज करेंसी में काम करें, पाकिस्तान की पब्लिक चाहेगी कि चाइना की करेंसी यूज़ करें? जाहली बात है चाहेगी सर, हर चीज़ उनकी सहूलत दे रहे हैं, वो हर चीज़ दे रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारे से कोऑपरेट करें, पर ये पाकिस्तान की सहूलत के लिए कोई कुछ नहीं करना, ये सिर्फ अपनी बेहतरी के लिए चाह रहे हैं सारा कुछ, कोई भी पार्टी है। एक सवाल है, लेट्स सपोज चाइना की करेंसी आ जाती है, ऑलरेडी मार्केट सारी चाइना ने कैप्चर कर रखी है, कोई भी टेक्नोलॉजी का कोई मार्केट है या कोई भी मोबाइल्स के हवाले से, ऑटो इंडस्ट्री के हवाले से बात करें, चाइना आ चुका है, अब फिर करेंसी भी चाइना की आ जाएगी तो हम तो सारा चाइना पे डिपेंड हो जाएंगे। तो सर ठीक है, कोई मसला नहीं, तो आगे पाकिस्तान रुपये में करके रहे हैं, मुझे ये बताएं चाइना करेंसी में कुछ ना तो आपको बेनिफिट मिलेगा, कुछ नहीं बड़ा बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको। इसहाक डार साहब ने अभी स्टेटमेंट दी है कि डॉलर इस टाइम 244 रुपये का, 244 का होना था, ये IMF हमारे साथ ड्रामे कर रहा है, मतलब वो हमें पैसे नहीं दे रहा जिसकी वजह से हम जो सर डॉलर महंगा होता जा रहा है, ये स्टेटमेंट कैसी है? मतलब वो पैसे देना दे उनकी मर्जी है, वो लोन देना दे, तो ये हम इस पर ड्रामा कह सकते हैं? सर ये ड्रामा ही है और क्या है, ये सोचना नहीं चाह रहे ना पाकिस्तान के बारे में, असर अपने ही सोच रहे हैं। बात यह देखे ना, खुद ऊंचे ऊंचे बंगलों में रह रहे हैं, AC चल रहे हैं, हर चीज इनके पास यश है। अब हमारा बंदा फिसर है, देखे ना हमारे बंदे की रोटी किधर है, ठीक है हर चीज किधर है, रोटी आटा सस्ता हुआ फिर भी रोटी सस्ती नहीं हो रही, देखें पेट्रोल सस्ता हुआ है, मंगाना हो तो बढ़ाना, इन्होंने 150-200 रुपए बढ़ाना, काम करना हो 5 रुपए 8 रुपए। सर ये तो मुल्क के साथ ज्यादती है ना, आवाम के साथ ज्यादती है, बहुत बड़ी ज्यादती है। पाकिस्तान में महंगाई होती जा रही है, डॉलर की कीमत बढ़ती जा रही है, साथ ही बिल्कुल अफगानिस्तान है, साथ ही बिल्कुल इंडिया है, खासतौर पर इंडिया की बात करें, वो 80-85 से डॉलर को आगे जाने नहीं दे रहे। सर इंडिया की तो बात ही नहीं करें, वो एक ब्रांड बन चुका हुआ है। सर देखें इधर गाड़ी आल्टो कितने की आ रही है, तकरीबन 31 लाख 29 लाख आपको इंडिया गाड़ी दे रहा है 5 लाख रुपए की, और भी बिजली चार्जिंग वाली, यहाँ पे किधर है? नहीं ये कैसे हो गया ऐसे, मतलब क्या रीजन थी? अगर इंडिया की बात करें वो भी वर्ल्ड बैंक के पास जा चुका है, वो भी कर्जा ले चुका है 90s के IMF के पास जा चुका है 90s के दौर में, ठीक है वो उस परेशानी से निकल गया, उन्होंने कर्जा लिया, वापस भी किया, सब कुछ किया। हम कर्जा लेते हैं उसके बाद फिर कर्जा लेते हैं और फिर उस कर्जे को उतारने के लिए फिर कर्जा लेते हैं। सर हम कर्जा ले ही जाते हैं ना, कर्जा उतारते नहीं ना, कर्जे को बढ़ाई जा रहे हैं। उन्होंने कैसे, उन्होंने जान कैसे? सर वो बेनिफिट कर रहे हैं, आवाम को सहूलत देते हैं, आवाम को रिलीफ देते हैं, चीज को नई टेक्नोलॉजी लाते हैं उसको, ठीक है फिर उसको मार्केट में तकसीम करते हैं, फिर उसके पैसे आते हैं, फिर इस तरह वो चलते हैं। सर तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। इस वीडियो में दो प्रकार के टॉपिक थे, पहला तो जैसा कि वीडियो की शुरुआत हुई आपने भी देखा ही है, दूसरा इस वीडियो के एंड में था कि पाकिस्तान के अंदर अभी हाल ही में बजट का अनाउंस हुआ, बजट पेश किया गया, जिसमें जो है ना टैक्स कलेक्शन को लेकर, बढ़ोतरी को लेकर जो है ना सरकार ने मजीद जो अन्य प्रकार के जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है या दूसरे जो आइटम है उन पर टैक्स बढ़ा दिया है। जहाँ पर आपने इस वीडियो के अंदर देखा मोबाइल फ़ोन की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक जो आइटम है उन पर 30% टैक्स की बढ़ोतरी कर दी गई है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है और जो मोबाइल है उनकी कीमतों में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर हम देखें तो वीडियो की शुरुआत जैसे ही हुई तो वीडियो में जो पाकिस्तान जो पब्लिक थी उन्होंने बताया, तरक्की को लेकर बात हुई कि जिस प्रकार से चाइना ने तरक्की की, यूरोप ने तरक्की की, वैसे ही आने वाले 10-20 सालों के अंदर जो है ना हिंदुस्तान भी काफ़ी ज़्यादा तरक्की करने वाला है, क्योंकि उसी डायरेक्शन में हिंदुस्तान तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा वीडियो में आगे चलते चलते उन्होंने एक बात और बताई, उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हमले हुए हैं, इसीलिए जो है ना हिंदुस्तान फिर भी इतनी तेज़ी के साथ तरक्की कर रहा है वो काबिले तारीफ़ है। लेकिन उन्होंने बातों में यहाँ पर ये भी बता दिया कि जो आक्रमणकारी हिंदुस्तान में आए थे साउथ एशिया में, जब ये पूरा
जो है ना एक पूरा भारत था, यहाँ पर टुकड़े भी नहीं हुए थे। उस टाइम पर जो आक्रमणकारी आते गए उन्होंने हिंदुस्तान को भी तोड़ा और मजीद जो है लोगों को जो है ना डरा धमका कर जो है ना उनका धर्म परिवर्तन करवाया गया, जैसा कि उन्होंने इस वीडियो के अंदर बताया है। तो दोस्तों बाकी आप इस वीडियो को लेकर क्या सोचते हो कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलेंगे हम अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।